जिस श्रीमद् भागवत को हम सभी श्रवण पान कर रहे हैं, इसके मुख्य वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, परमहंस। और शास्त्रों में वर्णन आया है, श्रीमद् भागवत भी कहती है कि श्री सुखदेव जी से बड़ा कोई त्यागी महापुरुष नहीं हो सकता। लोग घर त्यागते हैं, परिवार त्यागते हैं, श्री सुखदेव जी ने तो अपना संपूर्ण जीवन ही त्याग दिया। यहां तक कि शरीर पर वस्त्र धारण किए हैं वो भी भान नहीं है, वस्त्र तक त्याग दिए। और ऐसा नहीं कि वस्त्र किसी को देख करके या किसी की नकल करके वस्त्र त्यागे हो। हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा है, बुद्ध परंपरा, और दूसरी महावीर परंपरा। तो महावीर परंपरा के जो उपासक आचार्य होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं और एक दिगंबर होते हैं। तो जो दिगंबर होते हैं वो वस्त्रों का त्याग करते हैं, क्योंकि एक समय था जब भगवान महावीर प्रकट हुए और उनकी स्थिति, उनकी विरक्ति, उनका वैराग्य इतना था कि उनको भान ही नहीं रहता था कि उन्होंने वस्त्र धारण किए या नहीं। और तब से वो परंपरा चल रही। मैं उस परंपरा के विरोध में नहीं हूं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी तपस्या है। किंतु अगर हम कुछ त्यागते हैं तो किसी की नकल करके नहीं। वास्तविकता में हमारी स्थिति उतनी होनी चाहिए कि हमारा हृदय ही उन चीजों से विरक्त हो जाए। और त्याग वैसे भी वास्तविक होता ही वही है जिसका भान ही ना रहे कि हमने इसको त्यागा है। जैसे कई लोग होते हैं, हम कार्तिक मास में केला नहीं खाते, हमने केला त्याग दिया एक महीना के लिए। तो पूछो, क्यों जी, कार्तिक से पहले केला खाया करते थे? बोले, नहीं, 12 साल से तो छुआ भी नहीं। और अगर एक चीज छोटी मोटी हम त्याग भी दें तो हम उसको गाते ही रहते हैं, हमने ये त्याग दिया, देखो हमको कोई मतलब ही नहीं इससे। तो क्या हुआ, वो जो त्यागा उसका अभिमान प्रकट हो गया, उस त्याग का अभिमान प्रकट हुआ और वो त्याग व्यर्थ हो गया।
कूल हो जाए तो समस्या का समाधान कोई साधु ही दे सकता है, कोई सुखदेव जैसा संत महापुरुष ही दे सकता है। साधुओं के पास सब समस्या का समाधान होता है, सारी परेशानियों का समाधान संतों के पास मिलेगा। कोई जीवन की समस्या आ जाए और संसारियों को बताओगे तो उसके मजे लेंगे, समाधान नहीं देंगे। संसारियों को आपकी परेशानी सुनने में बड़ा मजा आता है। अगर आप कहो ना कि प्रभु करे कभी ऐसा हो ना, पर आप गलती से भी कह दो ना कोरोना हो गया हमको, तो देखो पूरी डिटेल पूछेंगे कैसे हुआ। अरे कोरोना कैसे होता, पूछ के होता है? कहाँ गए थे आप? अब मान लीजिए कोई आदमी किसी के पांव में फ्रैक्चर हो गया तो उसे देखने गए, अब आधी तो बेचारे उसके पांव की बीमारी और दूसरा आधी बीमारी जो उसको देखने वाले आते हैं ना वो खड़ी करते हैं, क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। अच्छा हड्डी टूट गई, मतलब फ्रैक्चर हुआ तो हड्डी टूटी होगी। अच्छा कैसे गिरे थे? बोले स्नान कर रहे थे तो नहाते नहाते निकल ही रहे थे स्नान घर से, सोई साबुन के पानी में पांव थोड़ा फिसल गए। अच्छा अच्छा फिर तो लगी भी होगी, चिल्लाए थे आप? अरे भैया गिरेंगे पांव टूटेगा तो चिल्लाएंगे भी। अच्छा अच्छा फिर किसी ने सुना था? सुना था तभी तो यहां बेड पे बैठे, नहीं तो अब तक वहीं पड़े होते। अर्थात उनको हर एक डिटेल जानने में तो मजा, आपकी परेशानी से उनको कोई लेना देना नहीं। कुछ इसलिए भी पूछते हैं कि नहीं पूछेंगे तो मुंह फूल जाएगा, पूछा नहीं हमको, हम गिर पड़े और ये पूछने भी नहीं आए, तो आधी आधी चीजें इसलिए पूछनी पड़ती हैं। तो संसार वाले तो बस आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं, समस्या का समाधान क्या है वो एक संत देता है। भक्ति के जीवन में समस्या आई तो नारद जैसे महापुरुष पहुंचे और उन्होंने केवल भक्ति की उस दुखड़े को सुनकर के आगे नहीं बढ़े, उसका समाधान ढूंढा है। सुखदेव जी ने परीक्षित के दुख को समझा कि प्रभु मेरी मृत्यु नजदीक है, पर अब उसका समाधान भी तो कुछ हो, तब सुखदेव जी ने समाधान दिया राजा परीक्षित। और ये बात भी उतनी ही सत्य है, श्रीमद् भागवत बार बार कहा गया है और ग्रंथ हमें जीना
अब कभी परिस्थिति अच्छी हो जाती है, कभी बिगड़ जाती है, कभी अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल होती है। लहरें जोर जोर से आती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। जीवन में भी प्रतिकूलताओं की, दुखों की लहरें आती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। सुख की लहर आती है, फिर चली जाती है। और तीसरा, संसार को और समुद्र की तुलना आपस में इसलिए की है कि समुद्र का जल देखने में तो खूब आकर्षित है, कितना बढ़िया लगता है, एकदम स्वच्छ पानी, लेकिन है एकदम खारा। अनुभव में पियोगे तो अच्छा नहीं है, देखने में ही अच्छा है। वैसे ही संसार समुद्र, देखने में तो खूब बढ़िया है, देखो ये रिश्तेदार हैं, ये दोस्त हैं, ये मित्र हैं, देखने में बढ़िया है, पर अनुभव करोगे तो समझ आएगा कि ये संसार सचमुच खारा है, नीरस। बंगला में एक शब्द गाए जाते हैं बंगला भाषा में, संसार क्या है, दुखे सागरे भाषिये छियो तारी जा निवेदन कर रहा है, प्रभु दुखों के सागर में मैं गोते लगा रहा हूं, मेरी आशा छूटती जा रही है, मैं इसमें फंसता चला जा रहा हूं, गहराई में गिरता चला जा रहा हूं। उथाल ढेउ आशीचे छोटिया की हो समुद्र में बहते इस लहरों में बचाएगा कौन? दी